फिर से उन्होंने पूछा कब ऐसा अवसर आता है जब तुम्हें शराब पीना पड़ता है लड़का ने कहा पिताजी रोज शराब नहीं पीता हूं कभी कभी पीता हूं वो कब जब चोरी का माल ज्यादा आ जाता है ना नहीं। उसमें जुआ में जब जीत जाता हूं जुआ में जब जीत जाता हूं तब मैं शराब पीता हूं वरना शराब नहीं पीता हूं पंडित जी ने कहा ये कहीं महाभारत जैसे तो नहीं है जुआ में युधिष्ठिर ने पूरा संपत्ति हार गया था और ऐसे तो ये कहीं जुआ वाला ऐसे ही तो जुआ वाले नहीं हो नहीं कहे वो ऐसे जुआ वाला नहीं हो मैं रोज रोज नहीं खेलता हूं तब तो वो कहे कि ऐसा है जब चोरी का माल ज्यादा आता है तब जुआ खेलता हूं वरना जुआ नहीं खेलता हूं पंडित जी ने कहा भैया रहने दो पंडित जी ने कहा रहने दो ज्यादा लंबा यह सारे अवगुण तुम्हारे अंदर है सभी दोस्त तुम्हारे अंदर है तो कहने का तात्पर्य यह कि हमारे अंदर एक दोष यदि आ गया खट्टापन थोड़ा भी आ गया हमारे जीवन में जैसे दूध में जरा सा कुछ बूंदे खट्टापन डाल दिया तो पूरा दूध को नष्ट कर देता है ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ भी दोष आता है तो उसके साथ साथ और बहुत दोष आ जाते हैं ये हमें सुधार करने की आवश्यकता है और हम सब लोग यहां पर सुधार करने की ही दृष्टि से आए हैं तो कहते हैं नौमन दूध बटोरी के टिपका किया विनाश थोड़े से खट्टा के कारण पूरा दूध नाश हो जाता है ऐसे ही हम जीवन में क्या क्या किए हैं कितना सेवा किए हैं कितना परोपकार किए हैं कितने हमारे जीवन में त्याग और बै... त्याग और वैराग्य है सारे धूल में मिल जाते हैं जब दोष आ जाते हैं तो तो साहेब कहते हैं कि टिपके किया विनाश दूध फाट कांजी भया हुआ गृहत का नाश जो सार चीज है वो समाप्त हो जाता दूध का सार घी है और घी नाश हो जाता है मनुष्य जीवन का सार क्या है आत्मकल्याण लोक कल्याण और ये दोनों ही समाप्त हो जाते हैं कुछ लोग तो लोक कल्याण कर लेते हैं लेकिन आत्म कल्याण नहीं कर पाते हैं तो मनुष्य शरीर पाने की सार्थकता गई उनके हाथ से केवल लोक कल्याण लोक कल्याण करते रहे आप संसार में उलझते जाएंगे उलझते जाएंगे साथ साथ आत्म कल्याण की भी आवश्यकता है मनुष्य शरीर पाने की सार्थकता है कल्याण करना और वो काम यदि हम नहीं कर पाते हैं तो हमारा मनुष्य शरीर पाना सार्थक नहीं होगा यदि हमें सार्थक बनाना है तो आत्म कल्याण करें साथ साथ यदि संभव है तो लोक कल्याण करें सोना है तो सुंदर दिखाई पड़ता है लेकिन कहते हैं सोना में यदि सुगंधी आ जाए तो क्या पूछना फूल यदि सुंदर दिखाई पड़ता है लेकिन फूल में सुगंधी नहीं है अभी आप फर्स्ट प्रवक्ता से सुने कि सेमल का फूल फूलता तो है लेकिन वो नीरस होता है और कोई सुगंधी भी नहीं होती है ऐसे ही हमें मनुष्य शरीर मिला और कहते हैं बहुत सौभाग्य से मिलता है तो मिला कुल मिला करके और यदि हम आत्मकल्याण नहीं किए अपने आप के तरफ नहीं झांका तो बाहर के प्राणी और पदार्थों के मिलने से वो एकत्र करने से उनकी सेवा करने से हमारा कल्याण नहीं होगा हमें चाहिए कि हम कल्याण को पहले जोर दें फिर लोक कल्याण को इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय